हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। आज हम सीखेंगे इंटीग्रेशन किस टाइप की। अगर अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो और वो भी न्यूमिनेटर में, तो उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। इससे पहले कि हमने दो वीडियो में सीखा था, जब यही टाइप डिनोमिनेटर में थी, मतलब वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। और एक और टाइप थी जब डिनोमिनेटर में ये फंक्शन बिना अंडर रूट के थे। ये दोनों वीडियो हमारी इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट में आ चुकी हैं। अब आज की वीडियो में हम इसको देखेंगे जब ये अंडर रूट के साथ न्यूमिनेटर में है, इनको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम इन तीनों के फॉर्मूले लिख लेते हैं। इन तीनों में एक ओड है, मतलब इन दोनों से अलग है, वो कौन सा है, जहां पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पहले नंबर वाला, ये दोनों एक जैसे होंगे। अगर ये अलग है तो इसकी इंटीग्रेशन भी अलग होगी, और ये दोनों एक जैसे हैं तो इसकी इंटीग्रेशन एक जैसी होगी। पहले मैं इन दोनों की इंटीग्रेशन लिखता हूँ। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, एक्स वाई टू, यहाँ भी एक्स वाई टू, और उसके साथ जो इंटीग्रेंड है वो ही लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट। उसके बाद हम साइन लगाएंगे प्लस या माइनस का, लेकिन कौन सा, जो ए स्क्वायर के साथ है। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगेगा, यहाँ पर ए स्क्वायर के साथ माइनस है तो माइनस लगेगा। अब दोनों केसेज में आगे लिखेंगे ए स्क्वायर बाई टू, यहाँ भी ए स्क्वायर बाई टू, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जब ये डिनोमिनेटर में था तब इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, और जब ये डिनोमिनेटर में था तब इसकी इंटीग्रेशन थी लॉग ऑफ एक्स प्लस, यही जो अंडर रूट में है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट मोड प्लस सी। और जब ये डिनोमिनेटर में था, मतलब वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट, तब इसकी इंटीग्रेशन थी लॉग ऑफ मोड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। लेकिन इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ भी ऐसे ही लिखेंगे एक्स बाई टू, फिर जो इंटीग्रेंड है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के साथ, आगे प्लस ए स्क्वायर का साइन और फिर ए स्क्वायर बाई टू। अब यहां क्या लिखना है, यहां पर भी वही लिखना है, जब ये डिनोमिनेटर में था तब इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, मतलब वन ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, वो होती है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। तो फ्रेंड्स, ये तो था इस फॉर्मूले को, इन तीनों फॉर्मूलाज को याद करने का तरीका। क्या सबसे पहले एक्स वाई टू लिखेंगे सब में, और फिर यही इंटीग्रेंट तीनों में लिख देंगे, और उसके बाद ए स्क्वायर का जो साइन है वो लिखेंगे। यहाँ पर, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो दोनों जगह प्लस आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो माइनस, फिर ए स्क्वायर बाई टू सब जगह। और उसके बाद जब ये डिनोमिनेटर में था वन ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो उसकी इंटीग्रेशन ये थी, वो लिख दी। जब ये डिनोमिनेटर में था तब इसकी इंटीग्रेशन थी साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी। अब इन तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो एक्सरसाइज आएगी हमारी 7.7 एनसीईआरटी की, तो हम वो क्वेश्चन करेंगे। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ फोर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारी कौन सी फॉर्म बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इसकी इंटीग्रेशन होती है एक्स बाई टू इंटू, जो इंटीग्रेंड है यही है, तो टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हम यहाँ पर फोर माइनस एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं। आगे ए स्क्वायर का साइन, तो ये है ए स्क्वायर का साइन प्लस टू स्क्वायर बाई टू, फिर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, ए यहाँ पर है टू, ये है ए की वैल्यू, प्लस सी। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये मिलेगा हमें, यहाँ से फोर ओवर टू, तो टू साइन इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी।
और ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 - 4x2। तो इसको भी हम उसी फॉर्म में करेंगे, लेकिन जब हमने वो फॉर्मूले अप्लाई करने हैं तो कोफिशियंट ऑफ x2 मस्ट बी यूनिटी। तो वो कैसे करना है, देखिए यहाँ से 1 - 4x2 में से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा 1/4 - x2, और उसके बाद 4 × 1/4 को लिखेंगे 1/2² माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर जब 4 बाहर आ जाएगा, जैसे ये अंडर रूट होगा तो अंडर रूट के साथ फिर 2 बाहर मिलेगा और अंडर रूट रह जाएगा इसमें। तो अंडर रूट के साथ जब 2 निकलेगा तो 4 निकलेगा तो ये 2 बचेगा, और इसके बाद इंटीग्रेंट बचेगा हमारा 1/2² - x² अंडर रूट। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है x/2। ये भी a² - x² की फॉर्म बनी, a² - x², तो x/2, फिर जो इंटीग्रेंट है 1/2² - x² प्लस a² / 2। a² है 1/2 का स्क्वायर बनेगा 2, फिर साइन इनवर्स x/a, तो a बनेगा 1/2, और फिर प्लस c हो जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 2 बाहर, फिर x/2, यहाँ से मिलेगा हमें 1/4 - x² अंडर रूट, प्लस यहाँ का स्क्वायर होगा 1/4, डिनोमिनेटर में 2, साइन इनवर्स 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से न्यूमिनेटर में 2x मिलेगा प्लस c। अगर हम इस 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 एलसीएम लेके फिर जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 बचेगा, मतलब x/2 1 - 4x² अंडर रूट प्लस साइन इनवर्स 2x, और ये 1/4 बाहर रहेगा प्लस c, और यही इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर क्या है, देखिए क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक को हम a² + x² या x² - a² की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, और ये हमने सीखा है पिछली 2 वीडियो में, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देख सकते हैं। ये लिखेंगे पहले यहाँ पर a², फिर प्लस 2a। अब हम यहाँ पर क्या लिखें कि हमें यहाँ पर 4x मिले, मतलब 2 × 2 = 4, और वही बात हमें यहाँ लिखनी पड़ेगी, वही नंबर, फिर वही नंबर से हमें माइनस करना पड़ेगा, और जो है लास्ट में 6। ये नंबर इसके बराबर होता है, ये नंबर इसके बराबर, और ये इसके बराबर, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। उसके बाद हमें 3 नंबर्स को इकट्ठा करना पड़ेगा, x + 2² माइनस यहाँ से 2 × 2 = 4, यहाँ से 6, तो ये मिलेगा हमें 2। और देखिए a + b² x + 2² आएगा, यहाँ से -4 + 6, तो 2 मिलेगा, और 2 √2² होगा, तो ये बीच में आ जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ से प्लस मिला है। अब ये उठा के हम यहाँ पर लिख देंगे, वो मिलेगा हमें इस तरह से। तो हमारी फॉर्म कौन सी बनेगी, इस बार x² + a² अंडर रूट। और ये कितना आंसर है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हर बार की तरह x/2 / 2, फिर जो इंटीग्रेंट दिया है वही लिख देंगे, x + 2² + √2². उसके बाद a² का साइन तो यहाँ पर है प्लस, अब a² √2² / 2, फिर जब ये डिनोमिनेटर में था तब इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, इसकी इंटीग्रेशन थी log ऑफ x + √x² + a², तो इस बार x की जगह है x + 2, आगे प्लस अंडर रूट के अंदर यही टर्म जो है हमारे पास x + 2² + √2² मोड के साथ, और आगे प्लस c। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये टर्म
इसके ही बराबर है, तो इसको वैसे ही लिख देंगे हम एक्स वाई टू बाई टू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। आगे अंडर रूट टू का स्क्वायर टू मिलेगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस टू प्लस, और ये जो है इसी के बराबर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स अंडर रूट के अंदर प्लस सी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। हमारा इस एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन अंडर रूट। तो सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, ये मिलेगा ए स्क्वायर प्लस टू ए, अब मुझे यहाँ पर बी की जगह टू लिखना पड़ेगा तब हमें फोर एक्स मिलेगा, प्लस टू स्क्वायर फिर माइनस टू स्क्वायर प्लस वन। अब पहले तीन को इकट्ठा करेंगे, लास्ट दो को इकट्ठा करेंगे, तो ये मिलेगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से माइनस फोर मिलेगा पहली टर्म से, दूसरी से प्लस वन, तो ये बनेगा माइनस थ्री, और थ्री को हम लिखेंगे अंडर रूट थ्री का स्क्वायर, तो ये जो है इसके बराबर है। अंडर रूट के अंदर, ये फोर्थ क्वेश्चन है, अंडर रूट के अंदर हम लिखेंगे यही सारी टर्म एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट थ्री स्क्वायर, और ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो फॉर्म है उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, सबसे पहले एक्स बाई टू बाहर, तो एक्स प्लस टू ओवर टू, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स प्लस टू है, फिर इंटीग्रेशन में यही सारा, हम इस सारे को यही लिख सकते हैं अगर हमें सिंप्लीफिकेशन से बचना हो तो, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, लेकिन ए स्क्वायर यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब हमें माइनस लिखना पड़ेगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर बाई टू, उसके बाद लॉग ऑफ एक्स, एक्स है एक्स प्लस टू, प्लस मोड के अंदर ये सारा इंटीग्रेंट, हम इसको भी लिख सकते हैं, इसी को ही लिख सकते हैं अगर हमें सिंप्लीफिकेशन से बचना हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन अंडर रूट प्लस सी। देखिए हमने वही लिखा है एक्स वाई टू जो फॉर्मूला में है, एक्स वाई टू इंटू इंटेग्रेंड माइनस ए स्क्वायर बाई टू लोग एक्स, एक्स फिर हमारे पास ये है प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को लिखा है हमने दोबारा से। उसके बाद हम ऐसा लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री का स्क्वायर थ्री आएगा और टू टू हो जाएगा, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये आंसर आ जाएगा हमारा। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो इसको पहले लिखेंगे, मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए माइनस कॉमन ले लेता हूँ, पहले एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स हो जाएगा फिर माइनस वन, उसके बाद माइनस बाहर रहेगा फिर ए स्क्वायर, यहाँ से प्लस है बीच में तो ए प्लस बी होल स्क्वायर में चेंज होगा, टू ए और बी की जगह आ जाएगा टू, तभी फोर बनेगा, टू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस वन। अब पहले तीन को इकट्ठा करना है, तो ये बनेगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से मिलेगा माइनस फोर माइनस वन, माइनस फाइव हो जाएगा, तो फाइव का अंडर रूट उसका स्क्वायर आ जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो अंडर रूट फाइव पहले आ जाएगा फिर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये मिलेगा हमें अंडर रूट फाइव स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू होल स्क्वायर अंडर रूट, और ये कौन सी फॉर्म बनी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब जिसमें साइन इनवर्स एक्स आता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ से यहाँ लिख रहा हूँ, सबसे पहले एक्स बाई टू, एक्स यहाँ पर एक्स बाई टू एक्स प्लस टू है, फिर जो इंटेग्रेंड है यही सारा, या यही लिख सकते हैं, तो वन माइनस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आगे यहाँ पर साइन किसका है, ए स्क्वायर का, तो ए स्क्वायर का साइन है प्लस अंडर रूट फाइव स्क्वायर ओवर टू, फिर साइन इनवर्स एक्स ओवर ए, एक्स यहाँ पर है एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू ओवर ए, ए है अंडर रूट फाइव प्लस सी, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो
अगले स्टेप में हम अंडर रूट फाइव का स्क्वायर मतलब फाइव होगा वो फाइव लिख सकते हैं और यही आंसर है। हमारा सिक्स क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव अंडर रूट। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स टू प्लस टू स्क्वायर माइनस टू माइनस फाइव एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस यहाँ से फोर माइनस फाइव माइनस नाइन मिलेगा और वो होगा थ्री का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास मिलेगा एक्स प्लस टू होल स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर अंडर रूट डीएक्स और ये फॉर्म है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और वो कौन सा होता है, सबसे पहले एक्स बाई टू मतलब एक्स प्लस टू की जगह एक्स आ गया ओवर टू, टू की जगह है प्लस टू ओवर थ्री, यही इंटीग्रेशन है तो हम इसी को लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव अंडर रूट। हमें टाइम सेव करना है तो इसके बजाय यही लिख देते हैं। आगे ए स्क्वायर का साइन, यहाँ पर ए का साइन माइनस है तो माइनस थ्री स्क्वायर ओवर टू, उसके बाद लॉग ऑफ एक्स, एक्स है एक्स प्लस टू, उसके बाद प्लस और जो इंटीग्रेंड है यही है तो यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस फाइव। हम इसी को भी लिख सकते हैं लेकिन उसके बाद जब सोल्व करेंगे तो दोबारा से यही आएगा प्लस सी और थ्री स्क्वायर का मतलब होगा नाइन और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हर बार प्लस सी लिखना पड़ता है, इसका मतलब है ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सेवन्थ। सेवन्थ क्वेश्चन है वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो देखिए वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर को हमने ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में चेंज करना है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट माइनस है, मैंने माइनस बाहर ले लिया, हमें मिला एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस वन, उसके बाद ये माइनस थ्री एक्स है तो इसका मतलब ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा तो ए स्क्वायर माइनस टू ए। अब बी मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि मेरे को थ्री एक्स मिले तो थ्री ओवर टू लिखूँगा, टू टू कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा थ्री बाई टू स्क्वायर, ये बी की वैल्यू आ गई, फिर बी को माइनस करते हैं और आगे माइनस वन। अब पहले तीन टर्म्स फिर लास्ट दो, तो पहले तीन टर्म से हमें मिलेगा एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर और यहाँ से माइनस है तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा नाइन बाई फोर माइनस वन, अगर हम माइनस कॉमन लें तो हमें ऐसे मिल जाएगा, फिर फोर यहाँ मल्टीप्लाई होके नाइन प्लस फोर थर्टीन ओवर फोर मिलेगा तो हम इसको लिखेंगे थर्टीन ओवर टू अंडर रूट थर्टीन ओवर टू का स्क्वायर। और अब ये माइनस बाहर से ख़त्म करके हम यहाँ ले जाएंगे तो अंडर रूट थर्टीन ओवर टू स्क्वायर, ये माइनस था अब प्लस हो जाएगा, ये प्लस था अब माइनस हो जाएगा तो एक्स माइनस थ्री बाई टू होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्म बनी हमारी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म होती है अंडर रूट के अंदर इसका मतलब हम जरूर साइन इनवर्स एक्स इन्वॉल्व हुआ है। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक्स बाई टू, तो x यहाँ पर है ये वाला पोर्शन और a है ये, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा x बाई टू और x है हमारे पास x माइनस थ्री बाई टू, x माइनस थ्री बाई टू ओवर टू, यहाँ पर टू लिखेंगे। उसके बाद जो इंटीग्रेंड है वही लिखा जाएगा वन प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आगे ए स्क्वायर का साइन, ए स्क्वायर है यहाँ पर प्लस, उसके बाद ए स्क्वायर थर्टीन ओवर टू स्क्वायर ओवर टू, फिर साइन इनवर्स एक्स, एक्स है एक्स माइनस थ्री बाई टू, एक्स माइनस थ्री बाई टू ओवर ए, ए है अंडर रूट थर्टीन ओवर टू प्लस सी। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो टू देखिए यहाँ चला जाएगा फिर वो टू एलसीएम का डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो हमारे पास थ्री बाई टू की जगह सिर्फ थ्री रह जाएगा और टू यहाँ चला जाएगा फिर डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई होके फोर बन जाएगा। और जब हम थर्टीन बाई अंडर रूट थर्टीन बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा हमें थर्टीन बाई फोर और फोर डिनोमिनेटर में आ गया फोर इंटू टू और फोर इंटू टू का मतलब हो जाएगा एट,
यहां पर जब सोल्व करेंगे तो 2 यहां चला जाएगा, तो ये मिलेगा हमें x माइनस 3 बाई 2 ओवर अंडर रूट 13 ओवर 2 से 2 यहां चला जाएगा, तो 2x माइनस 3 और फिर डिनोमिनेटर में 2, तो अंडर रूट 13 के नीचे जो 2 है 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 2x माइनस 3 ओवर अंडर रूट 13। देखिए 2x माइनस 3 ओवर अंडर रूट 13 और यही हमारा आंसर है। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि आप या आपका कोई साथी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा चैनल है एग्जाम क्रैकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसको आप ज़रूर विजिट करें। इससे आपको रीजनिंग के और मैथ्स के 100 ट्रिक सीखने में बहुत हेल्प होगी। अब आगे के क्वेश्चन, हमारा 8th क्वेश्चन है, इसको भी हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, ये ऐसे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है हमें अंडर रूट के अंदर तो हमें ऐसे ही करना पड़ता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस 2 ए, हम बी क्या लिखें कि हमें 3x मिले, वो लिखेंगे हम 3/2, 2 कैंसिल हो जाएगा 3 मिल जाएगा, 3/2 होल स्क्वायर माइनस 3/2 स्क्वायर। अब यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे, पहले 3 और ये लास्ट हमने अपने आप ही कैलकुलेटेड होके आ गई, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर। देखिए ये फॉर्म बनी एक्स स्क्वायर माइनस ए, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म होती है, सबसे पहले एक्स बाई टू तो लिखना ही पड़ता है, एक्स प्लस 3/2 ओवर 2, फिर इंटेग्रेंड, जो इंटेग्रेंड है वही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, उसके बाद a का साइन, यहां पर माइनस है 3/2 a स्क्वायर ओवर 2, a स्क्वायर है a की वैल्यू है 3/2 उसका स्क्वायर ओवर 2, फिर log ऑफ x, x यहां पर x प्लस 3/2 है, आगे प्लस जो इंटेग्रेंड है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x है तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x लिख देते हैं, प्लस c। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, जो एलसीएम में 2 था वो यहाँ आ गया, मतलब 2x प्लस 3 ओवर 4, ये 2 यहाँ चला गया, फिर एलसीएम में जो 2 था वो यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x अंडर रूट माइनस, ये है 9/4, 4 नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 9/8, फिर log, यहां से 2x प्लस 3/2 ही लिख देता हूं, प्लस जो इंटेग्रेंड है वही रहने देते हैं प्लस सी, और यही हमारा आंसर होगा। हमारा 9th क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, हम एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिलेगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 9 अंडर रूट, इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। अब इस 9 को बाहर लिख लेंगे, अंडर रूट के बाहर आएगा तो 1/3 बचेगा, और यहाँ बचेगा अंडर रूट के अंदर 9 प्लस 3 स्क्वायर, और फिर इस 9 को हम चेंज करके लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर है ये। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म, और ये इंटीग्रेशन होती है 1/3 बाहर रहेगा, एक्स बाई 2, फिर इंटेग्रेंड 9 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हमने 9 करके लिख दिया, उसके बाद ए स्क्वायर का साइन प्लस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर ओवर 2, फिर आगे log ऑफ एक्स, एक्स ये है, प्लस इंटेग्रेंड, इंटेग्रेंड है 9 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी,
तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई 6 मिलेगा, 9 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस 9 ओवर 2, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बाई 2 रहेगा, इस 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3 की एक पावर ख़त्म हो गई, 3 बाई 2 बचा, लॉग ऑफ एक्स प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी, और यही हमारा आंसर है। हमें अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक में जैसा मर्जी लिखा हो, हमें उसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की इन तीन फॉर्म में से किसी एक में चेंज करना है और फिर तीनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करवा के आंसर लिखना है। हमारा 10th क्वेश्चन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम देखिए फॉर्म कौन सी बन रही है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ए को हम लिखेंगे 1 स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर एक्स बाई 2, फिर इंटेग्रेंड है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर का साइन प्लस ए स्क्वायर है 1, तो 1 स्क्वायर ओवर 2, फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में हमें मिलता है लॉग ऑफ पहले एक्स एक्स, उसके बाद जो इंटेग्रेंड है वही लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड के अंदर प्लस सी, और 1 स्क्वायर मीन्स 1, और यही हमारा आंसर होगा। हमारा 11th क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 7, तो इसको सोल्व करने के लिए हम सबसे पहले इसको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं, ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा। अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ कि मेरे को 8x मिले, मैं 4x लिख देता हूँ। अब 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर प्लस 7, पहले तीन टर्म इकट्ठी, लास्ट दो इकट्ठी, x माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ से 4 स्क्वायर माइनस 16 प्लस 7, तो ये मिलेगा माइनस 9, और माइनस 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, तो अल्टीमेटली जो हमारा इंटेग्रेंड है वो बनेगा x माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, और ये कौन सी फॉर्म है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म, और ये लिखी जाती है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म, सबसे पहले तो x बाई 2, x यहाँ पर ये होगा a 3 होगा, x माइनस 4 ओवर 2, इंटेग्रेंड है हमारे पास यही सब कुछ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7, उसके बाद ए स्क्वायर का साइन माइनस ए स्क्वायर 3 ओवर 2, फिर लॉग ऑफ ए एक्स है आगे तो एक्स माइनस 4 लिखेंगे, फिर प्लस इंटेग्रेंड जो होगा यही लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7 मोड प्लस सी, और जब हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3 की जगह लिखेंगे हम 9, और फिर यही आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा ये था आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा जब अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हो या फिर डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर दिया हो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपने ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज के ऊपर देखा है तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।